आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आरएस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत विभाजन, विभाजन का वाद कौन प्रस्तुत कर सकता है, इस संबंध में आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो साथियों हम पहले जान लेते विभाजन क्या होता है। किसी भूमि में जो सह खातेदार हैं उनके अंश का निर्धारण यानी उनके अंश को अलग किया जाना ही विभाजन, बंटवारा, खाता तकसीम या डिवीजन होता है। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें। तो साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 116 विभाजन, बंटवारा, खाता तकसीम, डिवीजन का वाद कौन प्रस्तुत कर सकता है। तो साथियों जब कोई भूमि होती है उसमें कई लोगों का हिस्सा होता है तो उसी भूमि का बंटवारा होता है, विभाजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भूमि है उसमें एक ही व्यक्ति है तो वो तो पूरा उसका है ही है अंश जो है, तो उसमें विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। विभाजन की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां पर किसी भूमि में कई सह अंशधारी होते हैं। कोई भूमि का खाता है तो उस खाते में कई सह खातेदार होते हैं तो उसी भूमि का विभाजन होता है। तो देखते हैं नंबर एक, संक्रमणीय भूमिधर। यदि कोई व्यक्ति संक्रमणीय भूमिधर है, सह खातेदार है, तो वो अपनी भूमि का विभाजन, अपना अंश अलग करा सकता है। अब साथियों देखते हैं नंबर दो, असंक्रमणीय भूमिधर। असंक्रमणीय भूमिधर यदि कोई खातेदार है तो अपना अंश बंटवारे विभाजन के द्वारा अलग करा सकता है, और कहने का मतलब यह है कि विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है। नंबर तीन, सह खातेदार पुरुष। यदि उस खाते में कोई पुरुष है, सह खातेदार है, तो वो भी अपनी भूमि का विभाजन, बंटवारा कराने का अधिकार रखता है, यानी कि वाद प्रस्तुत कर सकता है। अब देखते हैं नंबर चार, सह खातेदार स्त्री। यदि किसी खाते में सह खातेदार स्त्री है तो उसको भी बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है और बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर सकती है। नंबर पांच, सह खातेदार नाबालिग स्त्री या पुरुष। यदि कोई सह खातेदार है और वो नाबालिग है यानी अवयस्क है तो भी उसको बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तो साथियों नाबालिग को स्वयं बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं, वो अपने हितैषी के द्वारा ही वाद प्रस्तुत कर सकता है, जो उसका हितैषी है यानी कि जो उसका संरक्षक है उसके द्वारा ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। और जब वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेगा तो न्यायालय पीडी बनाने से पूर्व इस बात से अगर सहमत हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है कि जो बंटवारा हो रहा है उस बंटवारे से जो नाबालिग अवयस्क है उसको हित है, यदि हित उसको प्रतीत होता है तो बंटवारा करेगा अर्थात वाद को खारिज कर देगा। इसमें साथियों यदि विचार न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर दिया जाता है और उसकी अपील होती है, अपीली न्यायालय उसको फिर देखेगा कि इसमें भी जो है कि जो अवयस्क या नाबालिग व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष है, तो उसका हित है कि नहीं। यदि अपीली न्यायालय के समय आदेश पारित करते समय यानी कि वो व्यक्ति बालिग हो जाता है तब भी उसे नाबालिग समझा जाता है, और यदि नाबालिग या अवयस्क के हित में यदि वाद वो है, बंटवारे का जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें नाबालिग या अवयस्क का हित साबित हो रहा है तो न्यायालय द्वारा वाद को निस्तारित किया जाएगा अर्थात अपीली न्यायालय भी वाद को खारिज कर देगा। तो साथियों आज हमने देखा, समझा और
चर्चा किया उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 116 विभाजन बंटवारा खाता तकसीम डिवीजन का वाद कौन प्रस्तुत कर सकता है, तो संक्रमणी भूमिधर जो हो वो प्रस्तुत कर सकता है, असंक्रमणी भूमिधर को भी राइट प्राप्त है वाद प्रस्तुत करने का, सहखातेदार पुरुष हो वो भी वाद प्रस्तुत कर सकता है, सहखातेदार स्त्री हो वो भी वाद प्रस्तुत कर सकती है। साथियों इसमें यदि विधवा है तो उसको भी अधिकार प्राप्त है बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने का। नंबर 5 सहखातेदार नाबालिग या स्त्री या पुरुष है तो उसको भी बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है और बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर अपने अंश का निर्धारण करा सकता है और अपना हिस्सा अलग करा सकता है। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि विभाजन का वाद कौन दायर कर सकता है। तो साथियों हमारे चैनल पर हमारे व्यूअर्स जो नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।